मोदी क्या काम कर रहा है? सीतल हो गया, मोदी ये क्या काम कर रहा है? सरकारी हॉस्पिटल है कि नहीं है ये अपन किया काम? कुछ भी नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में, कुछ नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में। आपके आपके गांव में स्कूल है? हाँ स्कूल है, तुमको देखा था वो कैसी स्कूल है। अच्छा। हाउ खर्च बढ़ी गई है, ये भाजपा की सरकार साथ अब था। गरीबी गरीबी नहीं है टीम, गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ। रोड दिए, खाते में पैसा डालते, कहाँ खाते में पैसा डाला है? आपको घर नहीं मिला? कहाँ नहीं मिला, घर पे यार ऐसे घूम रहे ट्रैक्टर लेके, 3 लाख का ट्रैक्टर लेके घूम रहा हूँ यार। नमस्कार, मैं इस वक्त मोरबी की ओर जा रहा हूँ, जगह का नाम जो है वो साउडी है। वहाँ पर मोदी जी की फेवरेट चीज़ बन रही है, चाय के साथ वो शायद पकौड़े भी बेचते होंगे। तो ये देखिए, जो युवाओं को वो सलाह देते हैं कि पकौड़ा बेचिए और रोज़गार पाइए, वो पकौड़ा जो है वो बेचा जा रहा है। कैसे देते हैं पकौड़ा, कैसे देते हैं? 30 रुपये 100 ग्राम। हाँ 30 रुपये 100 ग्राम, बढ़िया कमाई होती है। नहीं बढ़िया है? और कोई रोजगार नहीं चाहिए, बढ़िया है काम, यही बढ़िया है। हाँ देखिए, यही है मोदी जी का इकोनॉमिक्स कि पकौड़ा बेचिए और खुद को रोजगार। कितना कमा लेते हैं दिन का, कितना कमाते, कितना कमाई हो जाता पता है? नहीं चलता है, 1000 रुपया निकल जाता है रोज, 1000 रुपया दिन का निकल जाता है। तो बढ़िया है भाई, रोजगार देखिए। ग्रेजुएशन मोदी जी तो कहते हैं कि ग्रेजुएशन वगैरह करके नौकरी कायम मांग रहे हैं। मोहन भागवत बोलते हैं कि सरकारी नौकरियों के पीछे मत पड़िए, ये है असली बिजनेस, इसकी ओर जाइए। तो बढ़िया लगते हैं मोदी जी आपको? बढ़िया बढ़िया लगता है, बढ़िया है। हाँ मोदी जी आना चाहिए ना, मोदी जी आना चाहिए। हाँ। क्या क्या बढ़िया काम किया है मोदी जी ने बताइए? बहुत बढ़िया किया है। क्या क्या काम, काम तो गिनवाओ। काम तो पढ़ाई, पढ़ाई कितना किया है आपने? पढ़ाई कितने की है? 5 तक ही पढ़े। 5 तक पढ़े हैं? अच्छा, उसके बाद से ये काम शुरू कर दिया? कर दिया। कितने साल से कर रहे हो? 20 साल से। 20 साल से यही काम कर रहा है? पहले नौकरी करता था, अभी ये घर का हुआ है। अच्छा, कहाँ नौकरी करते थे पहले? रजाई चौकड़ी। रजाई चौकड़ी मोरबी, मोरबी में काम करते थे। अच्छा, आप कहाँ से? साउडी से। साउडी से ही है, क्या काम करते हैं? कैंटीन चलाता हूँ कारखाने में, दुकान। कारखाने में कैंटीन चलाते हैं। अच्छा, किसकी सरकार बनवाएंगे इस बार? केजरीवाल की। केजरीवाल की सरकार बनवाएंगे? देखिए, मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी काम कर रहा है, 70 साल हो गया, मोदी ये क्या काम कर रहा है? कुछ काम नहीं किया मोदी जी ने, कैसी बात कर रहे हो? गुजरात में इतने बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री बनवाई है सबने, आप भी फैक्ट्री में। हाँ मोदी ने महंगाई बढ़ा दी। मध्यान्ह भोजन में चलाता हूँ। अच्छा, मिड डे मील चलाते हैं मध्यान्ह भोजन। हाँ। महीने का 3000 मिलता है, 3000 में क्या होता है? महीने का 3000 रुपया मिलता है? महीने का 3000, और मेरी बीवी को 1000 रुपया। आप? अच्छा, 1000 रुपया, 1000 रुपये में क्या होता है? कितने साल से काम कर रहे हैं? 23 वर्ष हो गया। हमको कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस चाहिए। ये तो आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, हम कांग्रेस चाहिए हमको। आपको कांग्रेस चाहिए ना, आम आदमी पार्टी चाहिए, और भाई साहब खुश हैं मोदी जी के साथ। तीनों लोग मुझे मिल गए हैं यहाँ पे। कांग्रेस में क्या खास बात है बताइए, कांग्रेस में क्या खास क्या है? कांग्रेस में सुबह अच्छे, कांग्रेस क्या बढ़िया है? भाजपा से अच्छी है, भाजपा से अच्छी है। क्यों? इतनी महंगाई नहीं थी तब, कांग्रेस के टाइम में महंगाई नहीं थी। अच्छा, आम आदमी के बारे में। हाँ, गैस का बाटला दे दिया, सिलेंडर दे के। हाँ, गैस का बाटला दे दिया, ले लो 100 रुपये में, ले लो 100 रुपये में। अब कितना दाम है उसका? पहले 100 रुपया बोला था बाटले का, पहले 100 रुपया ले ला, ले जाओ ले जाओ। हाँ, अब कितना है? 1100 रुपया हो गया। पहले बोला ले जाओ ले जाओ, महिलाओं ले जाओ, 100 रुपया बोला था, 100 रुपये में मिलेगा, 100 रुपये में। देखिए, स्मृति ईरानी दिल्ली में बड़े बड़े प्रदर्शन करती थी जब 400 रुपए की गैस हुआ करती थी, 1100 रुपए का सिलेंडर है, और कोई नेता गायब है सारे हैं। कितना आमा शू भलो करियो, पानी ना रास्ता ना काम करिया, बीजा हारू काई काम नथी करियो, आ पुल टूटी गयो, झूलतो पुल मोरबी में शू भलो करियो, आवे झूलता पुल ऊपर वाई गयो है, काई नथी करी के लाग लाग। मैं समझा दूं पहले, मोरबी में पुल टूट गया, इतने सारे लोग मर गए, कोई देखने नहीं आया है। हां, वो मोदी आके चला गया, बराबर ने आके देखा कि चला गया, उसको भाव कितना देगी, डीजल का भाव क्या, पेट्रोल का भाव क्या बताया। आप किसान हो? तमें खेडूत छो? हाँ, खेडूत में चला ट्रैक्टर बदू। अच्छा, ट्रैक्टर चलाते हैं? हाँ, ट्रैक्टर हमारा छे। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। खेड़ दो के जो हम हूँ भलू करियो, हमें रास्ता बताओ, हूँ रास्ता करियो हम भलू। अच्छा, काय भलो थे हो? रास्ता बनावे पानी लीधु आटलो है, बाकी बात जाजू काय नत भलू करियो मोदी। कुछ भला नहीं किया मोदी ने, यही बोल रहे हैं? कुछ भला नहीं किया।
आपको आम आदमी पार्टी क्यों पसंद है यहाँ पे? मेरे को आम आदमी पार्टी इसलिए पसंद है, वादा जो दिया है। आप मुझे गुजराती में समझाओ क्या कह रहे हैं। एक वर्ष मर जाऊंगे ना भूखे तो हमारा कांग्रेस चाहिए। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस चाहिए। दिल्ली में देखो तुम, सरकारी निषाद है, हॉस्पिटल है दिल्ली में सरकारी, सब फ्री ओपे। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल देख के आओ टंकरे में क्या काम करा है। सरकारी हॉस्पिटल है कि नहीं है? है अपन क्या काम, कुछ भी नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में, कुछ नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में। आपके आपके गांव में स्कूल है? हाँ स्कूल है, तुमको देखा था वो कैसी स्कूल है। अच्छा। हाँ खर्च बढ़ी गई है, ये भाजपा की सरकार साथ अब था। अब देखिए पूरे देश, पूरे देश में जो है पूरी दुनिया भर में देश विश्वगुरु बन रहा है, इतने सारे बढ़िया बढ़िया मंदिर है आपके पास, उसमें खुश नहीं हो आप? खुश किए काम नहीं करे इसलिए खुश नहीं हो। करे हम काम, गरीब ने के मकान बनाए दो, ये लोग बनाए दो, क्या बनी हुए कोई? लॉकडाउन में खोदा खोदा मर ही गया बराबर ने, वैक्सीन लॉकडाउन में लोग मर गए, बनियों का भला हुआ बस। मोदी बोला गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटे गरीबों को हटाओ, गरीबी गरीबी नहीं हटी गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ। खाते में पैसा डालते, कहाँ खाते में पैसा डाला है? आपको घर नहीं मिला? कहाँ नहीं मिला, घर पे यार ऐसे घूम रहे ट्रैक्टर लेके, 3 लाख का ट्रैक्टर लेके घूम रहा हूँ यार। तो उसके लिए तो मैं बात कर रहा हूँ, वो कहता है ऐसे घर देऊंगा प्लॉट दे दूंगा, कहाँ मिले तो नहीं है कहीं भी जगह पे। सब आपको घर नहीं मिला, आप ऐसे यही है घर आप? हाँ ये भी घर है, ट्रैक्टर है मेरा घर है, ट्रैक्टर पे ही है पूरा परिवार। बस तो परिवार तो मेरा इधर है, पर वो क्या झूठा बोलता है कि ऐसा डाल दो पैसे में, बैठ के खर्चे में 2000 रुपया तक आया था नहीं है कोई, पहली बार का देखे वो बात करता यार। ये बढ़िया है टाकरिया बराबर ने, जब कांग्रेस लेके जब टाकरिया का हमारा भला होगा ना उसका काम चाहिए, हमारे रास्ते का हमारा काम नहीं, टूटा फूटा चलेगा बराबर, हमारा घर बार मकान मकान चाहिए गरीब के लिए सब कुछ। नहीं ये है तो सिद्धिया, नमस्ते भैया, क्या नाम हुआ आपका? अरे बात तो सुनिए, देखिए ये बात गलत है, लोग डरते बहुत हैं भाई गुजरात में, गुजरात में गुजराती डरते हैं क्या ज्यादा? डरता नहीं है गुजराती। हाँ। किसकी सरकार बनवाएंगे फिर इस बार? हमारे तो गुजरात में कांग्रेस की सरकार चाहिए। कांग्रेस की चाहिए क्यों? मोदी पसंद नहीं है आपको? मोदी विरोधी हो? मोदी विरोधी नहीं है, लेकिन हमको कांग्रेस सरकार चाहिए, हमारे खेडूतों को 2-2 लाख रुपये। आप किसान है? किसान है हम। अच्छा कितना बीघा जमीन है? 30 बीघा। 30 बीघा है। कितना पढ़े लिखे हैं? 7 दौरान। 7वीं तक पढ़े हैं। हमको कांग्रेस सरकार चाहिए, 2-2 लाख रुपये खाता में किसानों को माफ करेगी कर्जा, 2-2 लाख रुपया माफ होगा किसानों का, तो पूरी सरकार गुजरात में बनेगी। तो अच्छा यही है भैया, देखो किसानों की स्थिति मैंने तीनों पहलू आपको दिखाए हैं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी और बीजेपी, दोनों तीनों तरीके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मोदी जी का फेवरेट जो है वो धंधा भी हो रहा है, देखिए गुजरात में बिजनेस का बड़ा चलन है और पकौड़ों का जो है ये स्टॉल चलाते हैं भैया, पकौड़ों की दुकान चलाते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। अरे बात तो कीजिए, बोलना किसको नहीं आता बताइए, बोलना किसको नहीं आता है? बोलना तो सबको आता है। हाँ। लेकिन क्या बोलना चाहिए वो पता नहीं है, कैसे बोले? जो आपके मन में हो बताओ। हाँ। क्या बताए? मोदी पसंद है? पसंद तो कोई नहीं है, मोदी तो नहीं, कोई पसंद नहीं है। मोदी ने क्या किया? क्या किया? 27 साल से सरकार चल रही है, कुछ तो काम हुआ होगा, महंगाई बढ़ गई और क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, खेडूत सब लोग मर गए। अरे थोड़ा तो त्याग करना पड़ेगा देश के विकास के लिए आपको। कौन सा मेहनत करके खाते है, क्या त्याग करे? क्या काम करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3। पढ़ाई कर रहे हैं वो? नहीं। हाँ कर रहे हैं, पैसा नहीं है, प्राइवेट में नहीं जा सकते। सरकारी में पढ़ाई हो रही है? हाँ सरकारी में जा सकते हैं। अच्छा तो उनको किसानी, खेती किसानी करवाएंगे, कुछ और करेंगे? वो पैसा नहीं है तो खेती ही करेंगे ना, क्या करेंगे? हाँ किसानों को पूरा भाव नहीं मिलता है। क्या उगाते हैं? मूंगफली, कपास। मूंगफली और कपास उगाते हैं, क्या रेट में क्या मिलता है इधर? तो 15 दिन पहले 2000 रुपया था। हाँ। अब 1500 में आ गया कपास का, 15 दिन में 500 का घाटा। हाँ कट गया, क्या करें? ये खाद वाद मिल रही है टाइम पे? नहीं, खातर का है 1350 रुपया एक बोरी का, 1350 रुपये। हाँ, क्या डाले? ऐसा नहीं है तो क्या डाले? एक बीघा में एक कट्टा लगता होगा 50 किलो का लगे ना। ये देखिए ये गुजरात की स्थिति है, हम ऐसे यहाँ से गुजर रहे थे, गाड़ी रोकी और बात करने की कोशिश की तो समझ में आया कि जो मैं जो पूरा शहरों में घुमा हूँ और ग्रामीण इलाकों में जा रहा हूँ, उनको ये
देखिए समझ में आ रहा है कि जो बिजनेस वर्ग है, जो बिजनेसमैन है, वो मोदी की तरफ है, और जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो अन्य ऑप्शन जो है तलाश रहे हैं, अन्य विकल्पों की ओर जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। लेकिन देखना ये होगा कि जो है ईवीएम काम क्या करती है, नतीजा क्या आता है। 8 तारीख को सब साफ हो जाएगा कि सरकार दोबारा आएगी या फिर रिवायत बदली जाएगी। आपके क्या विचार हैं गुजरात के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।